नमस्कार, स्वागत है आपका पाव ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। फटाफट देख लेते हैं कि आज गुरुवार सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत हैं। तो एसजीएक्स निफ्टी अच्छे खासे संकेत दे रहे हैं, 17,000 के नीचे है, लेकिन हम देख रहे हैं 150 अंकों से ज्यादा की स्ट्रेंथ यहां पर दिखाई दे रही है। 16,840 के पास हम इसमें कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। वैसे तो अधिकतर एशियन मार्केट्स बंद है, लेकिन जापानीज मार्केट कुछ दिनों की छुट्टी के बाद खुले हैं, उस पर हम एक बार नजर डाल लेते हैं। वहां पर हम देख रहे हैं हल्की सुस्ती दिखाई दे रही है, 29-30 अंकों की कमजोरी है, बाकी मार्केट्स अभी भी बंद है। वहीं अगर हम डाउ फ्यूचर्स और नैसडैक फ्यूचर्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं, तो यहां पर भी हम लोग सपाट रेंज बाउंड ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। इंटरेस्टिंग मूव कमोडिटी मार्केट में दिखा है, जहां पर कल शाम से ही अच्छी स्ट्रेंथ बनी है। कच्चा तेल $111 के पास है और सोना $1900 का स्तर पार कर चुका है। तो अब ग्लोबल मार्केट में क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में, किन ट्रिगर्स पर नजर रखनी है, सब पर बात करेंगे। मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, बहुत इंटरेस्टिंग सत्र एब्सोल्युटली ग्लोबल मार्केट्स के लिए रहा है, और आज भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद हमारे मार्केट में भी कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिले, शॉकिंग ना हो जैसा कल देखने को मिला है। तो जरा बताइए क्या कुछ हुआ है। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो फेड की पॉलिसी ही है, एंड ऑफ कोर्स बग्गा साहब आपसे जुड़ने ही वाले हैं, तो उस पर मैं ज्यादा डिटेल्स नहीं दूंगा, बट एक दो चीजें हैं। इन्होंने 0.5% से रेट्स बढ़ाए। वैसे आप देखें तो 22 साल में पहली बार इतना बड़ा रेट हाइक हुआ है, बट ये एक्सपेक्टेड था, इसमें से कुछ सरप्राइजिंग नहीं था। आगे भी 0.5% से रेट्स बढ़ाते रहेंगे, ऐसे उन्होंने संकेत दिया है। इन्फ्लेशन को काबू में लाना है, ये सारी चीजें एक्सपेक्टेड थी। तो बाजार में रैली क्यों आई? रैली इसलिए आई क्योंकि उन्होंने दो अहम चीजें कही हैं। एक तो 0.5% से रेट्स बढ़ाने की कोई संभावना नहीं है, उन्होंने ऑलमोस्ट यही कह दिया। तो एक जो डर था कि 0.5% या 0.5% से और अग्रेसिव रेट हाइक्स आ सकती थी, उस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि इस समय उस बात पर कोई सोच विचार नहीं हो रहा है। वहां से बाजार को राहत मिली। दूसरी बड़ी राहत मिली कि जो बॉन्ड सेलिंग प्रोग्राम है, $9 trillion के बॉन्ड इनके बैलेंस शीट पर हैं जो उन्होंने बेचने हैं, अनुमान था कि अगले महीने से हर महीने $95 billion के ये बॉन्ड्स बेचेंगे। उसके सामने आने वाले तीन महीनों के लिए, जून से तीन महीनों के लिए, $47.5 billion के बॉन्ड्स बेचे जाएंगे, और उसके बाद तीन महीने बाद इस अमाउंट को 95 बिलियन कर दिया जाएगा। तो इन दो बड़े फैक्टर्स की वजह से बाजार को राहत आई कि उतनी अग्रेसिवली रेट हाइक्स नहीं किए जाएंगे, 0.5% से ही रेट्स बढ़ाए जाएंगे, और बॉन्ड बिकवाली शुरुआत कर रहे हैं पर अगेन उतनी अग्रेसिव नहीं होगी जितना बाजार ने अनुमान लगाया था। तो इन दो बड़े सरप्राइजेस की वजह से आप देख रहे हैं कि बाजार में एक बड़ी रैली आई। आज सुबह भी एशिया के बाजारों को बहुत ही अच्छा मूड है। कल शाम हमने देखा लगभग अक्रॉस तीनों मेजर इंडेसीज 3% की रैली आती हुई दिखी। डाउ 930 अंक उछलकर दिन की ऊंचाई के करीब बंद हुआ। नैसडैक में 3.25% की तेजी आपने बनती हुई देखी। IT स्टॉक से लीडरशिप आई, बट बाकी सारे सेक्टर से भी अच्छा पार्टिसिपेशन दिखा। और क्योंकि उन्होंने कहा है कि इन्फ्लेशन को काबू लाने में हम कॉन्फिडेंस जता रहे हैं, यूएस की इकोनॉमी की हालात अच्छे हैं, रेट हाइक्स हम सहन कर सकते हैं, इसकी वजह से हमने देखा कि जो बॉन्ड यील्ड है वो भी 3% के पार गई थी पॉलिसी से पहले, अब वापस 2.95% के आसपास है, थोड़ी नरमी कल आती हुई दिखी। तो ओवरऑल एक अच्छा मूड माहौल है, और जो कमेंट्री है जो रेट हाइक का पाथ है उतना अग्रेसिव बाजार को नहीं दिखाए, इसलिए बाजार खुश हुए हैं। एप्पल, बाकी IT शेयर्स में अच्छी खरीदारी देखी, एनर्जी शेयर्स में खरीदारी थी, इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स का भी अच्छा प्रदर्शन रहा, थोड़ा नतीजों का भी सहारा था। यूरोप के बाजारों में हल्की नरमी थी, आज बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी है, वहां पर आपको रखनी है नजर। एंड ऑफकोर्स कमोडिटी बाजार में भी उतार चढ़ाव इसका हुआ है। देखिए सोना वापस $1900 पर आ गया है, क्योंकि फेड पॉलिसी के बाद डॉलर इंडेक्स में थोड़ा दबाव आते हुए दिखा है, वहां पर नजर रखिए। एंड ऑफ कोर्स कच्चे तेल पर रखिए नजर, $111 पर आ गया है। तो पिछले कुछ दिनों में बड़ी तेजी है, आज ओपेक की बैठक है, EU ने रशिया के ऑयल पर रोक लगाने का निर्णय ले लिया है, साल के अंत तक वो रोक दिया जाएगा, तो वहां से आपको थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहे हैं। बट ओवरऑल अच्छा मूड माहौल है बाजार का, और फेड पॉलिसी से ये जो दो पॉजिटिव सरप्राइजेस आए हैं इसकी वजह से आप अच्छी तेजी देख रहे हैं। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया दीप आपका हमें बताने के लिए कि क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में और कहां नजर रखनी है। और इसी पर हम लोग थोड़ा और विस्तार से बात करेंगे। जाने माने दिग्गज एक्सपर्ट अजय बग्गा जी, जो कि चेयरमैन है एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म के, वो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बग्गा सर, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। सर, हम आपसे सीधे तौर पर यही जानना चाहते हैं कि कल अमेरिकी फेड ने जो फैसला लिया, जेरोम पावेल साहब ने जो बातें कही, कैसे देखते हैं आप? जी, बहुत पॉजिटिव रहा, क्योंकि डर यही था कि 0.75% का रेट हाइक क्या जून में होगा। जैसे उनके एक वोटिंग मेंबर हैं बुलार्ड करके, वो कहते रहे थे कि 0.75 पे, नोमुरा की एक रिपोर्ट आई थी कि मई में 50 बेसिस पॉइंट होगा और फिर जून और जुलाई में 0.75 का रेट हाइक फेड करेगा।
तो उन्होंने ये नकारा, उन्होंने कहा कि अगले दो बारी भी जून और जुलाई में हम 0.5 का रेट हाइक देख रहे हैं, 0.75 हमारे डेस्क के ऊपर बिल्कुल नहीं है, तो हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे। ये बहुत पॉजिटिव रहा, वहां से यूएस मार्केट बढ़ना शुरू हुआ। दूसरा जो अहम बात थी कि बैलेंस शीट रिडक्शन वो किस तरह करेंगे, किस पेस पे करेंगे, कब से करेंगे, उसके लिए उन्होंने क्लैरिटी दी। उन्होंने कहा कि 47.5 बिलियन डॉलर्स जून से शुरू होगा तीन महीने के लिए, और फिर तीन महीने बाद 95 बिलियन डॉलर, 95 बिलियन डॉलर प्रति मंथ, प्रति माह वो रिडक्शन करेंगे, जो मार्केट के अनुमानों से कम था और उससे भी मार्केट काफी सुदृढ़ हुआ। तो ये दो बहुत अच्छे वक्तव्य रहे कि 0.75 उन्होंने नकारा और बैलेंस शीट रिडक्शन उतनी तेज नहीं है जितना सोचा गया था। तीसरा सवाल रहा कि टर्मिनल रेट क्या रहेगा, आप 3% 3.5% कहाँ रुक जाएंगे। उस पर उन्होंने कहा कि हम डेटा ड्रिवन है, देखना पड़ेगा, बट हमें लग रहा है कि इन्फ्लेशन इससे काबू में आ जाएगी और एक सॉफ्ट लैंडिंग हम करवा पाएंगे, हार्ड रिसेशन अमेरिका में नहीं होगा। तो इन सब कारणवश अमेरिका मार्केट बढ़ा, 11 के 11 सेक्टर्स बिल्कुल पॉजिटिव में आए। जैसे दीप ने कहा, काफी तेजी से एप्पल हो, फेसबुक हो, ये सब बढ़े, और उसके साथ एनर्जी बढ़ा, बैंक्स लगभग 4% बढ़े, तो मार्केट ने इसको वेलकम किया। और सबसे बड़ी बात नेहा जी यही थी कि ट्रांसपेरेंसी जो बनाई रखी है यूएस के सेंट्रल बैंक ने, वही ट्रांसपेरेंसी रही और मार्केट का हौसला उससे बढ़ा। पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच। सो क्लियरली यहां पर किसी भी तरह का शॉकर नहीं निकल के आया, बाजार जो जो एक्सपेक्ट कर रहा था वही हुआ और ये बाजार को अच्छी लगी है बात। बग्गा सर, थैंक यू सो मच। वैसे आपको बता दिया जाए कि बग्गा सर हमारे साथ आज सुबह 11 बजे भी जुड़ने वाले हैं। अमेरिकी फेड के फैसले और दुनिया भर के बाजारों में जो हलचल है उसका असर कैसा होगा, इस पर जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के साथ अजय बग्गा जी की बातचीत देखिए, एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट, आज सुबह 11 बजे सिर्फ जी बिजनेस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा रहा। तो कैश स्पेस में एफआईआईज की बिकवाली हम देख रहे हैं, लगातार परेशानी का सबब बनी हुई है। कल भी हमने 3288 करोड़ के आसपास की बिकवाली देखी, हालांकि डीआईआईज का स्ट्रेंथ बरकरार है, कॉन्फिडेंस बरकरार है, 1338 करोड़ की खरीदारी हुई है। एफएनओ स्पेस में भी एफआईआईज की तरफ से हमने ऑलमोस्ट 2800 करोड़ के आसपास की बिकवाली देखी है। चलिए इन सब संकेतों के मद्देनजर हमारे मार्केट्स में आपको क्या रणनीति अपनानी है, बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आज आपसे दो सवाल हैं। सर गुड मॉर्निंग। सर सबसे पहले तो अमेरिकी फेड के फैसले को किस प्रकार से देख रहे हैं, हमारे मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे? अनिल सर आपको आवाज आ रही है सर? ओके सर को लगता है कि हमारा ऑडियो नहीं मिल पा रहा है, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। मीनवाइल हम आगे बढ़ते हैं और स्टॉक्स एंड न्यूज का एक्शन एक बार देख लेते हैं और उन सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी अरमान मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अरमान गुड मॉर्निंग, बताइए नतीजों का सीजन जारी है, कल किन कंपनियों ने नतीजे जारी किए? कल जिन कंपनियों में नतीजे जारी किए उसमें सबसे पहले टाटा कंज्यूमर, जिसके नतीजे जो हमारे अनुमान है उसके उसी के मुताबिक आते हुए दिखे हैं। आय जो है वो लगभग 4.5% बढ़ी है, अगर आप एबिटा देखेंगे तो 48% बढ़ा है, वहीं मार्जिन देखेंगे तो वो भी 9.9% बढ़ के 14% आए हैं, और अगर मुनाफा देखेंगे तो मुनाफा में 3.2 टाइम्स की बढ़ोतरी आई है और डिविडेंड भी आया है 6.05 प्रति शेयर का। रेन इंडस्ट्रीज के नतीजे अच्छे आते हुए दिखे हैं, आय जो है वो लगभग 48% बढ़ी है, एबिटा अगर आप देखेंगे तो लगभग 34% बढ़ा है, वहीं मार्जिन थोड़े घट कर आए हैं, वहीं अगर मुनाफे की बात करें तो वो भी 34% बढ़कर आए हैं। हैवल्स की बात करें तो वो हमारे अनुमान के मुताबिक नतीजे आते हुए दिखे हैं, आय जो है वो लगभग 33% बढ़ी है, एबिटा अगर आप देखेंगे तो 3% बढ़ा है, और मार्जिन जो है हालांकि वो भी अनुमान के मुताबिक ही आते हुए दिखे हैं, हालांकि उसमें कट दिखा है, 15% से घटकर 12% आए हैं। वहीं अगर मुनाफे की बात करें तो वो 17% बढ़कर आया है। वहीं अगर दीपक नाइट्राइट की बात करें तो नतीजे कमजोर हैं बट बेटर देन एस्टिमेट्स हैं, मतलब जो आप अगर रेवेन्यू की बात करेंगे जो आय जो है वो लगभग 28% बढ़ी, और अगर मुनाफा देखेंगे तो उसमें लगभग 12% की कटौती दिखी गई है। वहीं ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करेंगे तो नतीजे कमजोर आते हुए दिखे हैं, रेवेन्यू
रेवेन्यू जो है वो लगभग फ्लैटिश रहा है, 1% तक लगभग बढ़ा है। अगर आप इबिट की बात करेंगे तो लगभग 5% घटकर आया है, और अगर मुनाफे की बात करेंगे तो मुनाफा लगभग 10% 11% के आसपास बढ़ा है, और अगर कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड भी दिया है 190 रुपये प्रति शेयर का। और अंत में एबीबी के नतीजे अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल अच्छे आते हुए दिखे हैं। रेवेन्यू जो है, आय जो है, वो लगभग 21% बढ़ी है। एबिटा अगर आप देखेंगे तो वो लगभग 82% बढ़कर आया है। वहीं अगर आप मुनाफे की बात करेंगे तो वो 2.6x टाइम्स बढ़कर आया है। हालांकि वन टाइम गेन भी है 293 करोड़ का। चलिए, हमने अरमान से ये तो जान लिया कि कल किन कंपनियों ने नतीजे जारी किए। अरमान, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं अनिल सर के पास जा रही हूँ। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। सर, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि अमेरिकी फेड के फैसले को आप किस प्रकार से देखते हैं, हमारे मार्केट्स पर कैसा असर आज आप देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग। देखिए, अमेरिकी फेड का फैसला जो है उम्मीद के मुताबिक रहा ब्याज दरें बढ़ाने का, लेकिन आगे भविष्य में जो उनका एक्शन है वो काफी राहत देने वाला है। उसमें दो तीन चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग निकल कर आई है जिनकी वजह से अमेरिकी बाजारों में तेजी हुई। पहली बात है कि 1% कभी नहीं बढ़ाएंगे, ये लगभग लगभग पूरा उन्होंने आश्वासन दे दिया। तो बाजार को जो बड़ी रेट हाइक से झटके लगते हैं, ये हाइक भी अपने आप में सबसे बड़ी है, 22 साल में पहली बार 0.5% बढ़ी है, तो ऐसा छोटा तो है नहीं। लेकिन फिर भी 1% नहीं बढ़ेगा ये भरोसा देना काफी हद तक अमेरिकी बाजारों के लिहाज से अच्छा रहा। दूसरी बात है कि जो बैलेंस शीट की साइज कम करनी है और जो फ्लोस कम करने वो भी साफ नजर आ रहा है कि धीमे धीमे करेंगे और बाजार को उसको उसके लिए मानसिक रूप से तैयार करेंगे, ये दूसरा बड़ा फैसला है। तीसरी बात ये कि कहाँ तक बढ़ाएंगे और कब जाकर रुकेंगे, उसको लेकर भी अमेरिकी फेड ने साफ कहा है कि हम डेटा देखेंगे, माहौल देखेंगे, जरूरत होने पर। ऐसा नहीं कि हमें 3% तक बढ़ाना है, 3.5 बढ़ाना है या 2.5 पर रुक जाना है, जैसा डेटा होगा उस हिसाब से हम तय करेंगे। ये तीनों चीजें अमेरिकी बाजारों को पसंद आती हुई दिखी, तो ऐसा लगता है कि फेड की मीटिंग के बाद बाजारों को काफी कुछ क्लैरिटी मिली है कि आगे फेड क्या करने वाला है, कब करने वाला है, और ये क्लैरिटी मिलते ही बाजार मजबूत हो गया। दूसरी एक और बात यहाँ ध्यान में रखने वाली है वो ये कि आमतौर पर फेड के कई सदस्य अपने बयान देते हैं, कई सदस्य कुछ भी कहते हैं, लेकिन जब फेड चेयरमैन आपको साफ तौर पर क्लियर कट कहे तो फिर उसके मायने अलग होते हैं, और यही बात अमेरिकी बाजारों को कल पसंद आई। तो सर, फिर हमारे मार्केट्स को भी ये बात, ये कॉन्फिडेंस पसंद आएगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सर क्या लेवल्स होंगे फिर? कॉन्फिडेंस तो इलावा है हमारा, कल बड़ा जबरदस्त खिला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, रिकवरी जरूर होगी। रिकवरी के बाद देखिए, जब तक आप 17,000 के ऊपर निकल कर ट्रेड न करें तब तक आप इस रिकवरी को हल्की फुल्की बड़े करेक्शन के बाद के आने वाली रिकवरी ही मानकर चलें। तो आज के सेशन में अनडाउटेडली जो अमेरिकी बाजार में 900,000 पॉइंट की तेजी है उसको उसका स्वागत तो किया जाएगा। बाजार वैसे भी जिनके निचले स्तरों पर बंद हुए हैं, ओवरसोल्ड है, वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी है, पोजिशन काफी हल्की है, और बिकवाली भी FIs की तरफ से बड़ी नहीं हुई है, ट्रेडर्स की पोजिशन ज्यादा छुटी है। तो इन सबको देखते हुए डेफिनेटली एक रिकवरी का मौका तो बनता है। सपोर्ट रेंज अब आपके लिए जो आज के लिए रहेगी वो है 16,550 से 16,625, ये निफ्टी पर सपोर्ट का काम करेगा। ऊपरी स्तरों पर एक बार निफ्टी 16,875 से 16,950 तक जाने की कोशिश करेगा, उसके बाद देखते हैं क्या कुछ होता है। इन लेवल्स के आसपास प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली आने की संभावना है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, वैसे 35,000 तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि ब्याज दरों को बढ़ाने का फैसला बैंक के लिए ज्यादा नेगेटिव है, उस लिहाज से थोड़े नीचे के लेवल में दे रहा हूँ। 34,625 से 34,750 ये आपके लिए बैंक निफ्टी पर सपोर्ट रेंज के तौर पर है। ऊपरी स्तर पर बैंक निफ्टी में पहली रेंज जो है ऊपर जाने की वो 35,525 35,725 है। असली तेजी, बढ़िया रिकवरी 36,000 को पार करके टिकने पर ही बनेगी। तो निफ्टी के लिए 17,000 और बैंक निफ्टी के लिए 36,000, ये दो लेवल ऊपर की तरफ बड़े अहमियत वाले हैं, और वहां इनको पार करके हम निकले आज या फिर किसी और दिन तो फिर बढ़िया तेजी के बारे में सोचेंगे। तब तक सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा। पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच। तो सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा, बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। लेवल्स हैं 16,550 से 625 सपोर्ट रेंज, आज ये निफ्टी का काम करेगी। 16,875 950 में ले, यहां पर आपको मुनाफा वसूल कर लेना है। बैंक निफ्टी में 34,625 से 750 सपोर्ट रेंज का काम करेगी। 35,525 और 725 ये आज रेजिस्टेंस रेंज होगी, और मार्केट में स्ट्रेंथ तभी दिखेगी जब 36,000 का आंकड़ा होगा पार। मेरे सहयोगी अरमान मेरे साथ बने हुए हैं स्टॉक्स एंड न्यूज की लिस्ट में, अभी उनसे और भी सवाल पूछना है। अच्छा अरमान, ये तो आपने बता दिया कि कल के नंबर्स कैसे रहे हैं, आज अहम ट्रिगर्स कौन से हैं और खबरों के दम पर कहां कहां एक्शन दिखेगा? बिल्कुल, सबसे पहले आज FNO के काफी नतीजे आने वाले हैं, जिसमें आपको चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस दिखेगा, डाबर इंडिया दिखेगा, एक्साइड इंडस्ट्रीज, फर्स्ट सोर्स, इंडस टावर, इंटेलेक्ट डिजाइन, मेडिको, TVS मोटर्स और वोल्टास। वहीं कुछ चेंज इन प्राइस बैंड है जो 20% to 10% है, जिसमें नेटवर्क 18 मीडिया है और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट है।
एक्स डेट है कुछ, जिसमें कोलगेट पामोलिन का है, जिसमें जो इंटरिम डिविडेंड है उसकी 21 जो इंटरिम डिविडेंड था उसकी एक्स डेट है, और यूके की एक बीओई पॉलिसी भी आएगी। अब सबसे बड़ी अपडेट एलआईसी की आईपीओ अपडेट, जो कि आज आईपीओ का दूसरा दिन है। पहले दिन आईपीओ लगभग 71% भरा है, जिसमें क्यूआईबी 0.33 टाइम्स है, NII 0.27 टाइम्स है, रिटेल लगभग 60% है, एम्प्लॉइज पूरा भर के 1.17x टाइम्स हो चुका है, और पॉलिसी होल्डर का देखेंगे वो लगभग दो गुना बढ़ चुका है। अब खबरों पे, सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक, जिसमें कॉनकॉल से कुछ चीज़ें निकल के आई हैं, जिसमें कंपनी ने ये बताया है कि लोन में ग्रोथ मोमेंटम चलता रहेगा, और जो कॉरपोरेट लोन डिमांड है जो कमजोरी हालांकि देखी गई है, पर हालांकि उसमें थोड़ी बहुत रिकवरी देखी गई है, अब वो आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। और आरबीआई द्वारा जो रेट बढ़ाने के लिए कीमतें बढ़ाई गई हैं, जो रेट बढ़ाई गई हैं, उससे जो कंज्यूमर डिमांड है उनका कहना है कि उस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर ब्रिटानिया, उस पर रिपोर्ट्स हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि कंपनी इस साल लगभग जो कीमतें हैं वो लगभग 10% की बढ़ोतरी कर सकती है, और ये वही रीज़न होगा कि कच्चे माल की बढ़ोतरी के कारण उन्हें भी रेट बढ़ाने पड़ेंगे। एसजीवीएन में, जिसमें कंपनी ने टाटा पावर सोलार सिस्टम के साथ एक एलओए किया है, और ये बीकानेर राजस्थान में सीपीसीयू स्कीम के तहत 1000 मेगावाट सोलार पावर प्रोजेक्ट के लिए डेवलप करेगी, और ये जो प्रोजेक्ट है ये लगभग 5500 करोड़ इस पर खर्च किया जाएगा। सिग्निटी टेक्नोलॉजीज पर ध्यान रखिएगा, जिसमें अपारा डिजिटल और एक विदेशी सब्सिडरी है, उसको खरीदने के लिए कंपनी लगभग 37 करोड़ रुपये का करेगी सौदा करेगी, और ये जो है इसके साथ साथ 18 मई को कंपनी बोर्ड बैठक भी करेगी बायबैक के लिए। मेट्रो मनी पर ध्यान रखिएगा, जिसमें 12 मई को बोर्ड बैठक में इक्विटी शेयर्स के बायबैक पर विचार किया जाएगा, और कुछ बल्क और बल्क डील्स हैं, जिसमें जय कुमार इंफ्रा, जिसमें एबेकस ग्रोथ ने लगभग 20 लाख शेयर्स खरीदे हैं, वही कुछ हैं जिन्होंने बेचे हैं, जिसमें बाल गोपाल, इंटेलेक्ट स्टॉक और अलाइट कमोडिटीज़ है जिन्हें बेचे हैं। इंडिया बुल रियल इस्टेट में ध्यान रखिएगा, जिसमें बोफा सिक्योरिटीज़ ने लगभग 37 लाख शेयर्स खरीदे हैं। आईएफबी इंडस्ट्रीज़ पर ध्यान रखिएगा, जिसमें एचएसबीसी बैंक, मारुतीज़ ने लगभग 26 लाख शेयर्स बेचे हैं। वहीं बीएलएस इंटरनेशनल पर ध्यान रखिएगा, जिसमें 16th स्ट्रीट एशियंस ने लगभग 10 लाख शेयर्स 358 के भाव पर खरीदे हैं। ओके, चलिए, पॉइंट टेकन। थैंक यू सो मच अरमान हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज खबरों के दम पर कहां कहां एक्शन रखेगा, कहां रखनी है नजर। चलिए फटाफट आपको बताते हैं कि कमोडिटी बाजार में आपको कहां किस प्रकार की रणनीति अपनानी है। आज आईएफएल सिक्योरिटीज अनुज गुप्ता की रिकमेंडेशन है, सोना जून वायदा खरीद के चले 50,500 के पास, टारगेट 51,200 का। चांदी जुलाई वायदा खरीद के चलने की सलाह है 61,500 के पास, 60,950 का स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट 62,500 का। मेटल स्पेस में कॉपर एमसीएक्स मई वायदा खरीद के चले 775 के टारगेट के लिए, और कच्चा तेल जिस प्रकार की स्ट्रेंथ है, मई वायदा खरीद के चलने की सलाह है 8,150 के पास, स्टॉप लॉस 7,950 का लगाइए, टारगेट 8,400 का आपको यहां पर मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ पाव ब्रेकफास्ट को यहीं पर रैप अप करते हैं।